हेलो फ्रेंड्स, सपना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम भरमा बेसन वाली मिर्च, जो कि सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, और ये तीखी भी नहीं होती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो ये मैंने 250 ग्राम हरी ये मिर्च ली है, अचार वाली मिर्च है ये, मोटी वाली। ये मिर्च तीखी नहीं होती है और इन दिनों में ये आसानी से मिल जाती है। तो ये मैंने 250 ग्राम मिर्च ली है, इन्हें मैंने धो के कपड़े से पोंछ के रख लिया है, एकदम साफ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इन्हें बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच लिया हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। आप कहेंगे कि मिर्च में मिर्च कौन डालता, लेकिन ये कलर वाली मिर्च है, इनसे कलर अच्छा आता है हमारा। 1 चम्मच लिया है अमचूर पाउडर, थोड़ा सा लिया है गरम मसाला, 1 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, एक छोटी कटोरी लिया है मैंने बेसन, और 1 चम्मच लिया है नमक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मिर्च के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो इधर मैंने गैस पर कढ़ाई रखती है, इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया सरसों का, और गैस को कर दिया ऑन। तेल को हल्का सा हम गर्म होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो इसमें डालूंगी मैं सबसे पहले ये बेसन। बेसन को हमें हल्का सा फ्राई करना होता है। बेसन मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, इसे हमें हल्का सा चलाते हुए फ्राई करना है, और गैस का फ्लेम हम कम ही रखेंगे। बेसन को हमें हल्का सा फ्राई करना है। तो अब इसी में डालूंगी मैं ये मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इससे मसाले का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा हमारी मिर्च खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा डालूंगी इसमें गरम मसाला। इन सब मसालों को हमें चलाते हुए मिक्स करना है, और इन्हें मसालों को हमें बेसन के साथ भूनना है। तो मसाले को हमें 2 से 3 मिनट के लिए हल्की हल्की आंच पे भूनना है, इस तरीके से चलाते हुए, जब तक हमारे बेसन से मसालों से खुशबू नहीं आ जाती। ये बेसन वाली भरमा मिर्ची बहुत अच्छी लगती है खाने में फ्रेंड्स। हम जब भी खाना खाते हैं, एक मिर्च साथ में ले लेते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है, हमारे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। हम इसे वैसे भी खा सकते हैं पराठे के साथ, नाश्ते में दही पराठों के साथ, कहीं हम जा रहे हैं सफर में तो हम इन्हें बना के ले जा सकते हैं, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मसाला भी मेरा भून चुका है, मसाले का कलर भी चेंज हो गया है, और मसाले से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। तो अभी मैं मसाले को कढ़ाई से बाहर निकालूंगी और गैस को करूंगी बंद। गैस को मैंने बंद कर दिया है, और मसाले को हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले को मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है, इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं मसाले को। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, हम अपनी मिर्चों को काट लेते हैं। तो पहले मैं मिर्च के डंठल काटूंगी, आप इन्हें काट भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप अगर इसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप डंठल ना निकालें, और इसी तरीके से मिर्च को हमें इस तरीके से चीरना है, इस तरीके से। तो ये मिर्च में जो बीज होते हैं ये तीखे नहीं होते हैं, आप चाहें तो इन्हें निकाल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं निकालूंगी इन्हें। इसी तरीके से हमें बीज को रखना है, ये तीखे नहीं होते और खाने में ये अच्छे लगते हैं, इसी तरीके से हम सारी मिर्च में इसी तरीके से कट लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मिर्च के डंठल निकाल के इनमें सब में कट लगा दिया है। तो इधर हमारा मसाला भी ठंडा हो गया है, तो फ्रेंड्स हम इनमें
मसाला भरेंगे मिर्च में इस तरीके से। इस तरीके से हमें मसाला भरना है मिर्च में, अच्छे से भरना है। ये देखिए मैंने मिर्च में मसाला भर दिया है फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें मसाला भरना है। ये भरमा बेसन वाली मिर्च बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही झटपट से बन जाती है फ्रेंड्स। और जब भी हमारे घर में सब्जी नहीं बनी होती तो हम इससे भी रोटी खा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें सारी मिर्च में मसाला भरना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मिर्चों में अच्छे से मसाला भर लिया। ये देखिए सारी मिर्चों में मसाला अच्छे से भर गया फ्रेंड्स। तो अभी हम इधर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और गैस को मैंने चला दिया है। तो इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। इसी कढ़ाई में हम सब्जी बनाएंगे मिर्च। तेल डाल दिया मैंने, तेल को हल्का सा हम गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तेल भी मेरा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये मिर्च। इस तरीके से एक एक करके हमें डालनी है तरीके से। इसी तरीके से हम सारी मिर्चों को डाल देंगे। और गैस को हम कम कर देते हैं और इसे हम कढ़ाई को एक बर्तन से ढक देते हैं और 2 से 3 मिनट बाद हम फिर देखते हैं अपनी मिर्चों को। तो फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो हम अपनी मिर्च को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तो मिर्च को हम अलटते पलटते हैं थोड़ा सा, एक साइड से सिक चुकी है तो दूसरी साइड में मैंने पलट देते हैं इस तरीके से। मैं चाकू की सहायता से ही पलटूंगी इन्हें इस तरीके से। ये देखिए एक साइड से बहुत अच्छे से ये सीख चुकी हैं, तो इन्हें हम दूसरी साइड से पलट देते हैं। दूसरी साइड से भी हम इन्हें अच्छे से सेक लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, एक साइड से इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से मैंने इन्हें पलट दिया है एक साइड से। तो दूसरी साइड से भी इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देते हैं। दो से तीन मिनट के लिए ना और पकने देते हैं। हम इन्हें ढकेंगे नहीं, हम ऐसे इसी तरीके से खोल के ही पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी भरमा मसाला बेसन वाली मिर्ची बनके हो गई है तैयार, बहुत अच्छा कलर आया है। तो फ्रेंड्स हम गैस को बंद कर देते हैं और मिर्ची को हम एक बर्तन में बाहर निकाल लेते हैं कढ़ाई से इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी भरमा बेसन वाली मिर्ची बनके हो गई है चटपटी सी तैयार। ये देखिए, तो हम इसी तरीके से सारी मिर्ची को निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी भरमा मिर्ची अपनी बेसन वाली कढ़ाई से बाहर निकाल ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनी है, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखिए, वो मसाला भी बिल्कुल इनका बाहर नहीं निकला है। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस तरीके से बनाइए बेसन वाली भरमा मिर्ची। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आप मिर्च का अचार खाना भूल जाएंगे, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमारा अचार बनाने में तो कई दिन लग जाते हैं तब हमारा अचार तैयार होता है, ये तो हमारी 5 मिनट में ही बन के तैयार हो जाती है। तो आप भी बनाइए फ्रेंड्स एक बार मेरे इस तरीके से बेसन वाली भरमा मिर्ची, और आप इसे पूड़ी पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं। हम इन्हें सफ़र में भी ले जा सकते हैं और बच्चों को भी हम लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप भी बनाइए एक बार मेरे तरीके से भरमा बेसन वाली मिर्ची। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।